मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी ने कहर बरपा रखा है। तेज धूप और लू की लपटों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। निवाड़ी में तो गर्मी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को निवाड़ी का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे अधिक निवाड़ी में 48.5 डिग्री दर्ज किया गया। उसके अलावा दतिया में 48.4, रेवा में 48.2, खजुराहो में 48.0, ग्वालियर में 47.6, टीकमगढ़ में 47.2, सतना, नौगांव और सिंगरौली में 47.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। इन सभी इलाकों में जो है वो सीवियर हीट वेव जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो हीट वेव रिकॉर्ड किया गया है वो है राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सीहोर, भोपाल, दमोहा, कटनी, शाहडोल, सागर और मलकानगंज में एरिया में। कुल मिला की स्थिति को देखा जाए तो कल 24 घंटों में 9 डिस्ट्रिक्ट ने सीवियर हीट वेव रिपोर्ट किया है और तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो हीट वेव को रिपोर्ट किया है। आइए जानते हैं इस भीषण गर्मी की पूरी कहानी। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़कें इतनी गर्म हो चुकी हैं कि डाबर भी पिघलने लगा है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर वरुण शर्मा ने बताया कि 1 जून तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। जो हीट वेव की स्थिति है, पर्टिकुलर जो सीवियर हीट वेव की स्थिति है, वो कुल मिलाकर एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो हमारे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया के अंदर ही रहने की उम्मीद है और बाकी इलाकों के अंदर जो है वो हीट वेव रहने की उम्मीद है। अर्थात टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर में कल रहेगा। इस कुल मिला के कल से जो हीट वेव की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, उसमें थोड़ी सी कमी आने की जो है वो आकांक्षा जो है जताई जा रही है। सबसे ज्यादा तपिश वाले जिले भोपाल 44.1 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 40.8 डिग्री सेल्सियस, खरगोन 43.8 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी 36.4 डिग्री सेल्सियस, खंडवा 43.1 डिग्री सेल्सियस, नर्मदापुरम 38.8 डिग्री सेल्सियस, बैतूल 41.2 डिग्री सेल्सियस, धार 40.9 डिग्री सेल्सियस, गुना 44.7 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर 46.4 डिग्री सेल्सियस, दतिया 46.7 डिग्री सेल्सियस, रतलाम 41.5 डिग्री सेल्सियस, शिवपुरी 46.0 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन 41.5 डिग्री सेल्सियस, छिंदवाड़ा 43.3 डिग्री सेल्सियस, दमोह 45.5 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर 42.7 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस, मंडला 44.4 डिग्री सेल्सियस, नरसिंहपुर 43.0 डिग्री सेल्सियस, सतना 46.7 डिग्री सेल्सियस, नौगाम 45.8 डिग्री सेल्सियस, सागर 44.0 डिग्री सेल्सियस, उमरिया 44.0 डिग्री सेल्सियस, टीकमगढ़ 45.5 डिग्री सेल्सियस, मलंजखंड 44.3 डिग्री सेल्सियस, सेयोनी 44.2 डिग्री सेल्सियस, निवाड़ी 47.5 डिग्री सेल्सियस, रीवा 46.4 डिग्री सेल्सियस। 31 तारीख के मौसम के बारे में देखते हैं तो अगेन मौसम जो है वो प्रदेश में ड्राई रहेगा, अर्थात कोई भी रेनफॉल दर्ज होने की उम्मीद है। उसके अलावा जो सीवियर हीट वेव था वो पूर्ण तरह से जो है वो हमारे प्रदेश में अब खत्म होने जा रहा है 31 तारीख से, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन जो हीट वेव की स्थिति है वो तकरीबन एक्सट्रीम जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया के अंदर, वो तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर से लेके और 47 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होने की उम्मीद है। और बाकी इलाकों में जो है वो टेम्परेचर अभी जो है वो 45 से कम अर्थात 43 तक दर्ज होने की उम्मीद जताई जा रही है। हीट वेव अलर्ट जारी। प्रदेश के बढ़ते तापमान को देखते हुए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। इनमें शामिल जिलों में है आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह, दतिया, पूर्वी निमाड़, गुना, ग्वालियर, कटनी, मैहर, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा
और सागर। इन जिलों में लू और तेज धूप का कहर जारी रहेगा। निवाड़ी का तापमान मंगलवार को 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। खजुराहो का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस, दतिया और सतना का 46.7 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर का 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 31 तारीख को कोई भी वार्म नाइट होने की प्रदेश में उम्मीद नहीं है। आगे का देखते हैं, 1 तारीख को अर्थात 1 जून को अगेन मौसम जो है वो प्रदेश में हमारा ड्राई रहेगा और जो हीट वेव की स्थिति भी जो थी वो तकरीबन अब खत्म हो जाएगी, लेकिन जो टेम्परेचर है जो इन भागों में आप देख रहे हैं नॉर्थ पार्ट्स के अंदर और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स के अंदर टेम्परेचर 43-45 डिग्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। लू से बचने के लिए सभी उपाय अपनाएं और सुरक्षित रहें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर स्टेम है 5.8 किलोमीटर के ऊपर। उसी तरह से एक नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से एक ट्रफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश से होता हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल की ओर अग्रसर है। आगे 24 घंटे के दौरान ऐसे भी उम्मीद की जा रही है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरल के कोस्ट पर आने की उसकी उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और गर्मी से बचाव करें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।